पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जगह जगह जन समर्थन मिल रहा है और इससे ज्यादा ये चीज दिखी जाती है जनता का प्यार। लोग सब दुकानों पर से उतर के नीचे आ जाते हैं, घरों में से निकल के बाहर आ जाते हैं, समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अपना दुआएं दे रही हैं माता बहने, सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म के लोग प्यार से कर रहे हैं। अच्छा, धर्म के लोग हैं, सैनिक समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मुसलमानों में सारी बिरादरियों के लोग हैं, सभी देवबंदी सुन्नी बरेलवी सारे तबके के तमाम जितने के हमारे दरगाहों के लोग हैं उन सब लोगों ने समर्थन दिया हुआ। तो ये सीधे समाजवादी पार्टी भाई साहब आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि किसने इस तरीके की हरकत की होगी जो लेटर वायरल हुआ है? जिस पार्टी को फायदा अपनी जिस पार्टी ने फायदा उठाने, बहुत सारी पार्टियां हैं, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस ने दिया है कांग्रेस के समर्थन, तो जाहिर सी बात उनको फायदा पहुंच रहा हो। कांग्रेस का कैंडिडेट तो पहले लड़ चुका, 75,000 वोट पा चुका, विधानसभा में कितने आएंगे बताइए ना। करंट आप 5 साल बाद भूल जाइए, आज करंट की बात देखिए, आप 42,000 वोट आए उनको। तो उसी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है? ये जाँच का विषय है, ये SSP साहब जाँच कराएंगे, DM साहब जाँच कराएंगे, जो दोषी होगा IT SSP साहब से की या DM साहब। देखिए पोलिंग की आज रात है, कल जनता पोल करने जा रही है जी, थोड़ी सी नीचे कर। और जनता ने जितना विश्वास समाजवादी पार्टी पर दिखाया उससे सारी पार्टियां घबराई हुई हैं। एक हताशा है लोगों के अंदर, एक पार्टी ने हमारे एक फेक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से एक लेटर सर्कुलेट करा दिया जिसमें उन्होंने लिख दिया कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन किया है। इस स्तर की राजनीति की हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। हमने इसकी शिकायत करी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और हमारे लखनऊ से भी इसका डिनायल प्रकाशित होने जा रहा है। जो भी राजनीति इस तरह की करते हैं और IT का दुरुपयोग कर रहे हैं और बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के हिसाब से उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप निराश हैं, हताश हैं, तो ये मतलब नहीं है उसका कि आप दूसरों को उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाएं और ऐसी बात करें कि आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का फेक पैड बना के ID बना के और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे फ्लोट कर दिया, जघन्य अपराध है ये। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।